नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल लाइव देखो पर। आज हम इस वीडियो में बिलासपुर में 23 नवंबर को होने वाली हड़ताल के बारे में बात करेंगे। कौशल विकास योजना के नाम से आप सबको कौशल विकास कर रहे हैं ये बोल के धोखे में एक साल आपसे रगड़ के काम ले रहे हैं, उसके बाद जॉब फिर नया भर्ती निकाल रहे हैं। केंद्र सरकार इसको क्या कर रहा है कि रोजगार में गिन रहा है। SECL बिलासपुर के ITI अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षुओं ने कलेक्टर, SP और SECL के महाप्रबंधक को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में नियमित भर्ती की मांग की गई। मांग पूरी नहीं होने की स्थिति में 23 नवंबर से हड़ताल पर जाने की जानकारी दी गई। केंद्र सरकार की कौशल विकास योजना के तहत SECL ने वर्ष 2019 में 672 और 2020 में 5,500 पदों पर अप्रेंटिसशिप पद पर भर्ती निकाली गई थी। एक वर्ष की ट्रेनिंग के बाद SECL ने प्रमाण पत्र भी दिया। इसके बाद नियमित भर्ती नहीं की गई। बेरोजगार अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षु खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। इससे पहले वर्ष 1985 से लेकर 88 और 94 तक अप्रेंटिसशिप की भर्ती निकाली गई थी। अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षुओं को SECL के विभिन्न खदानों में नियमितीकरण कर दिया गया था। इधर कई सालों से नियमित भर्ती नहीं होने से अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षु निराश है। उनका कहना है कि कोरोना महामारी के कारण रोजगार उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, जिससे बेरोजगार भटकने को मजबूर हैं। उनका कहना है कि इसके साथ ही SECL में मेन पावर की संख्या लगातार घट रही है, जिससे कोयला उत्पादन भी प्रभावित हो रहा है। एक तरफ SECL की नई मेगा प्रोजेक्ट कुसमुंडा, गेवरा व दीपका में कोयला उत्पादन बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। ऐसे में यदि अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षु युवाओं को मौका दिया जाना चाहिए